प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में 6700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 7 एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात दी। इसी क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट पर बनने वाले नए सिविल इनक्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में सिग्रा स्टेडियम से वर्चुअल शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत के टर्मिनल भवन एवं सिविल इनक्लेव के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के विकास से मिथिला क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार के जिलों का भी विकास होगा। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सभा में मौजूद रहे। दरभंगा में एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बनारस से 7 एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें दरभंगा 912 करोड़ की लागत से यहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और पूरे मिथिलावासी गदगद हैं। महामहिम राज्यपाल जी यहां आए थे, प्रभारी मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सारे माननीय सांसद विधायक, सारे लोग यहां पर और हजारों की संख्या में यहाँ मिथिला वासियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत किया गया है और लोगों को यह टर्मिनल बनने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ 7-7 एप्रन की व्यवस्था की गई है, एक बार में 14 हवाई जहाज को ठहराने की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रशासनिक भवन में भी हम लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से 572 करोड़ की लागत से हलवालिया कंपनी को जो दिया गया है वो काम में भी तेजी आ गई है और आज प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से दरभंगा का जो सपना था, मिथिला का जो सपना था, वो साकार होगा और एक बार में 43 लाख, एक साल में 43 लाख लोगों को यहां पर आने जाने की सुविधा मिल रही है। जहां अब तक उड़ान स्कीम में 5.5 लाख ही यह सुविधा थी, वहां पर यह भी सुविधा मिला है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला वासियों के 8.5 करोड़ आबादियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि ये टर्मिनल 54 एकड़ जमीन पर बनेगा और इसकी लागत करीब 912 करोड़ रुपए होगी। नए टर्मिनल के बनने से दरभंगा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर हर साल 43 लाख यात्रियों की हो जाएगी। वर्तमान में इस हवाई अड्डे के भवन से रोजाना 1500 यात्री जाते हैं। यहां 10 विमान की सेवा संचालित है। नवंबर 2020 में उड़ानों की शुरुआत के बाद से दरभंगा में हवाई यातायात 21 लाख से ज्यादा यात्रियों को पार कर गया है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण अयोध्या एयरपोर्ट की तर्ज पर ही होगा। इसमें 24 एकड़ में रनवे, 14 विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन, 40 चेक इन काउंटर और 4 कन्वेयर बेल्ट होंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ेगी। दरभंगा से TV9 के लिए आलोक पुंज की रिपोर्ट।